सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास हेयर स्टाइलिश। सो आज हम लोग करने वाले हैं हेयर बोटॉक्स। सो आज हम लोग इस हेयर पे बोटॉक्स ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सो पहले हम लोग शैम्पू करेंगे। जो हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो फ्लोरा एक्टिव का मैकाडेमिया SOS बोटॉक्स। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे शैम्पू। और हम लोग जो शैम्पू यूज़ करेंगे वो W1 का जो शैम्पू आता है वही शैम्पू यूज़ करेंगे, जो सल्फेट पैराबेन फ्री है। तो पहले हम लोग शैम्पू कर लेंगे, और जो शैम्पू करेंगे वो हम लोग 2 टाइम शैम्पू करेंगे। देन हम लोग टावल ड्राई करेंगे हेयर को, मतलब एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको हम लोग टावल डैप करके निकाल लेंगे। देन हम लोग करेंगे जो एलिमीटर का स्प्रे आता है फ्लोरा एक्टिव का, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसका काम है एज अ हीट प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये डैमेज को भी रिपेयर करता है, हीट से भी प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद हम लोगों का ये मेन बोटॉक्स, मैकाडेमिया का बोटॉक्स। सो पहले हम लोग हेयर को टैंगल फ्री कर लेंगे। गाइस, हेयर प्रॉब्लम, हेयर बाल पतले हो जा रहे हैं, बालों में लाइस हो जा रहे हैं, डैंड्रफ हो रहे हैं, बाल थिक नहीं दिख रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा पतले हो जा रहे हैं, ड्राई हो जा रहे हैं, सॉल्यूशन आ गया है। यूज सिकाकाई पाउडर। इसको कैसे यूज करना है, इसको आप जितना लेंगे उतना ये वाला पानी लीजिए, उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना के अपना हेयर में, मतलब स्कैल्प टू हेयर में लगाइए। लगा के 5 से 7 मिनट मसाज कीजिए, उसके बाद 10 से 20 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए हेयर में। देन आप रिंस आउट कर लीजिए, और फिर देखिए इसका कमाल कितना ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर दिखता है आपको, लाइस रिमूव हो जाएंगे। इसको यूज कीजिए वीकली 2 टाइम। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यूज दिस पाउडर। उसके बाद हम लोग बोटॉक्स को निकाल लेंगे। सो ये भी बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो इसको भी पहले थोड़ा कम कम करके यूज़ कीजिएगा, ठीक है। देन हम लोग 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड करेंगे। देन हम लोग फाइन, मतलब मीडियम सेक्शन लेके उसको, उसमें हम लोग बोटॉक्स को एप्लीकेशन करेंगे। सो पहले हम लोग कोम से इमल्सिफाई कर लेंगे, देन हम लोग हाथों से इमल्सिफाई करेंगे। इससे क्या होगा, कम प्रोडक्ट में फुल हेयर में इमल्सिफाई हो जाएगा प्रोडक्ट। सो ऐसे करके हम लोग फुल हेयर में प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ कीजिएगा, जितना हेयर को, हेयर में जितना डिमांड है उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। एक बार जब पूरा हेयर में प्रोडक्ट लग जाए तो देन हम लोग अच्छी तरह से हेयर को कॉम कर लेंगे कि पूरा हेयर में प्रॉपरली प्रोडक्ट लग जाए। जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए देन हम लोग इसको शावर कैप से कवर अप करेंगे, ठीक है। देन हम लोग इसको शावर कैप से कवर अप करके 15 to 30 मिनट जैसा छोड़ देंगे। अब डिपेंड करता है हेयर कितना ड्राई डैमेज हो चुका है उसके ऊपर, ठीक है। तो 30 मिनट हो जाए देन हम लोग प्रोडक्ट को रिंग्स आउट करेंगे, मतलब रिंग्स आउट नहीं, एक तरीके का सैचुरेट बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को बस 30 to 50% प्रोडक्ट को रिंग्स आउट करना है, बाकी प्रोडक्ट को हेयर में ही रहने देना है, ठीक है, जिसको हम लोग सील करेंगे हेयर में ही। सो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में रखा हुआ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो जब हम लोगों का प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाए, रिंग्स आउट हो जाए, देन हम लोग उसको शैम्पू सेक्शन से उठा के उनको हम लोग कटिंग सेक्शन में ले आएंगे, देन उसको हम लोग टावल टैप करेंगे, ठीक है। देन हम लोग करेंगे ब्लो ड्राई, फुल 100% ड्राई करके उसके बाद हम लोग ब्लो ड्राई करेंगे पैडल ब्रश के थ्रू, एकदम प्रॉपर ब्लो ड्राई करेंगे। मीडियम सेक्शन लेके अच्छी तरह से उसको ब्लो ड्राई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग अभी आयनिंग करने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरह से हम लोगों को ब्लो ड्राई करना है। सो बहुत सारे का क्वेश्चन होगा ऐसा, जे हम लोग केराटिन में भी ऐसा चीज़ करते हैं, तो ये क्या केराटिन जैसा है? नहीं, केराटिन नहीं है, ये है बोटॉक्स, जो है हम लोग का डेड हेयर हो चुका है, जिसमें बिल्कुल साइन नहीं आता है, कुछ भी सर्विस नहीं कर पाते हैं, उस हेयर में हम लोग बोटॉक्स करेंगे।
ठीक है, अच्छी तरह से जब हम लोग का ब्लो ड्राई हो जाए देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आयरन। और आयरन का जो टेम्परेचर होगा वो 170 टू 190, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फाइन हेयर है इसलिए हम लोग 170 से ही करेंगे। और इसका जो आयरन का रिपीटेशन होगा वो मैक्स टू मैक्स 3 to 4 टाइम। ठीक है, अब डिपेंड करता है हेयर क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि बोटॉक्स हम लोग जो करते हैं वो एकदम ही जो हेयर पूरा पूरी मतलब जल चुका है, ओवर प्रोसेस हो चुका है, बिल्कुल जान नहीं है, उस हेयर में हम लोग बोटॉक्स करते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आप लोग 3 to 4 टाइम ही आयरनिंग कर सकते हैं, वो भी हल्के हाथों से, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोडक्ट को हम लोग सील कर रहे हैं अंदर। ठीक है, इस हिसाब से ही हम लोगों को आयरनिंग करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग टाइट टाइट आयरन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन लेकर आयरन करेंगे तो हेयर स्ट्रेट दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हेयर को, हेयर में जो प्रोडक्ट है उसको सील कर रहा है कि प्रोडक्ट आसानी से बाहर ना आ जाए। सो ऐसे करके हम लोग फुल हेयर को आयरनिंग करेंगे। ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लेना है और ज़्यादा पतला भी नहीं लेना है, मीडियम साइज सेक्शन लेके हेयर में हम लोग आयरन करेंगे। सो ऐसे करके हम लोग फुल हेयर में आयरन करेंगे। सो मैं इसको सिर्फ स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइन आ गया है हेयर में। ठीक है, यही शाइन, यही सॉफ्टनेस हेयर में रहने वाला है। तो डिपेंड करता है, क्लाइंट का हेयर अगर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है तो आप उसी दिन हेयर को वॉश कर सकते हैं आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, अगर क्लाइंट का हेयर बहुत ज़्यादा रफ है तो आप उसको वन डे मतलब 24 आवर के लिए छोड़ सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं जी हो सके तो घर में भी वॉश कर सकते हैं या फिर सैलून में आके भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे करना है। तो ये रहा फुल ट्रीटमेंट, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।